स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल एमएस गिल इन्फोटेनमेंट में। आज सुमेर पर्वत पर श्री गुरु नानक देव जी की सिद्धों से भेंट साखी सुनाएंगे। कश्मीर से गुजरते हुए श्री गुरु नानक देव जी पहाड़ों की भूमि पर पहुंचे। खड़ी पहाड़ियों और लंबे थका देने वाले पगडंडियों को पार करते हुए गुरु नानक जी सुमेर पर्वत पर पहुंचे, जो संतों और योगियों का निवास स्थान था। वहां गुरु जी को 84 सिद्ध व गोरखनाथ मंडली मिली। वे गोरखनाथ संप्रदाय के सिद्ध थे। वहां रहने वाले योगी गुरु नानक देव जी को पर्वतों पे पहुंचा देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता लगभग दुर्गम था, साधारण मनुष्य का वहां पहुंचना असंभव था। उन्होंने गुरु जी से पूछा, किस शक्ति ने आपको यहां तक पहुंचने में मदद की है? मैंने हमेशा केवल भगवान के बारे में सोचा है और पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ उनकी पूजा की है, और एक ओंकार भगवान का नाम जप कर मुझे ये शक्ति प्राप्त हुई है। जाप और सिमरन के द्वारा ही उच्च पद प्राप्त किया जाता है। वह शक्ति मुझे यहाँ तक ले आई है, गुरुजी ने उत्तर दिया। सिद्धों ने कहा, हे बालक, आपका अपना नाम क्या है? गुरुजी ने कहा, मेरा नाम नानक है। नाथों ने गुरुजी से कहा कि हम सभी संसार को त्याग के यहाँ ऊंचे पर्वत पे योग साधना में लीन रहते हैं। नीचे धरती पे संसार के क्या हाल है, विश्व की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर गुरु नानक ने कहा, दुनिया बुरी स्थिति में है। हर जगह झूठ का बोलबाला है, जबकि सत्य दुर्लभ है। बहुत सारी बुराई है और कोई उद्धारकर्ता नहीं है जो दुनिया को पाप से मुक्ति दिला सके। सद्गुण को देखना होगा। जब आप जैसे महान आत्माएं दुनिया छोड़कर यहां लुप्त हुए हैं और अपनी योग साधना में व्यस्त है, तो मानव जाति को कौन बचाएगा और अज्ञानी को सही रास्ते पर कौन ले जाएगा? इस पे नाथों ने कहा, हमारे नाथ संप्रदाय के शिष्य संसार में भगवान और धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इस पर गुरु नानक देव जी ने बताया, वह तो दिन रात शरीर पर खाक लगा कर रहते हैं, भिक्षा मांगते हैं और कोई भी समझदारी का काम नहीं करते। सिद्धों ने फिर पूछा, फिर राजा कुछ क्यों नहीं करते? वो अपनी प्रजा को सही मार्गदर्शन क्यों नहीं कराते? गुरु जी ने जवाब में बताया कि आज के दौर के राजा भोग विलास में व्यस्त रहते हैं, प्रजा के प्रति अपना दायित्व नहीं समझते। इस पे सिद्धों ने फिर पूछा कि आजकल परिवार जन एक दूसरे को क्यों नहीं शिक्षा और धर्म के जिम्मेदारी का ज्ञान देते हैं? तो गुरु जी ने बताया कि आजकल परिवार बहुत ज्यादा सीमित हो गया है, मेल जोल खत्म हो रहा है, लोगों में लालच बहुत बढ़ गया है, वे रिश्ते को लालच के आगे महत्व नहीं देते। सिद्धों ने फिर पूछा, फिर आजकल इंसान हमारी तरह त्यागी क्यों नहीं बन जाता है? इस पे श्री गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, सांसारिक मनुष्य को संसार में रहते हुए लालच क्रोध और अहंकार का त्याग करके त्यागी बनना ही सबसे उत्तम है और परमात्मा का संसार भी कायम रहेगा। सिद्धों ने सोचा, नानक को चौंका दिया जाए, करामाते दिखानी शुरू करते हैं। सिद्ध योगियों ने अपनी जादुई शक्तियों से चमत्कार किए, उन करामातों से गुरु जी को वश में करने का यत्न भी किया, लेकिन वे असफल रहे। गुरु जी के ऊपर कुछ प्रभावशाली न होते हुए सभी सिद्धों ने आदेश दिया। उन्होंने गुरु नानक से पास के तालाब से बाल्टी में पानी लाने को कहा और उन्होंने अपने जादू से तालाब के पानी को मोती और माणिक में बदल दिया। गुरु नानक देव जी को सिद्धों द्वारा उन्हें प्रलोभनों के माध्यम से फंसाने की चाल का एहसास हुआ। गुरु नानक बिना पानी के तालाब से लौट आए और उन्होंने बताया कि तालाब में पानी नहीं है। जब सिद्ध योगियों ने देखा कि मोती और माणिक उन्हें लुभा नहीं सकते, न ही कोई जादुई शक्ति गुरु पर कोई प्रभाव डाल सकती है, इस पे नाथों ने श्री गुरु नानक देव जी को पूछा कि तुम हमारे शिष्य बन जाओ और संसार में हमारी शिक्षा का प्रचार करो। इसके जवाब में श्री गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अर्जुनी सौभंग, गुर प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अर्थ, इस संपूर्ण जगत का स्वामी एक ही है और वही ब्रह्मांड का निर्माता है, उसका नाम सत्य है। वह भय से रहित और किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखता है। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त है और स्वयं में ही परिपूर्ण है, और मैं नानक सत्य को जानता हूँ। और उन्होंने स्वीकारा के वे अकाल पुरख के शिष्य हैं। तो ये सुन के नाथों ने अपनी हार स्वीकार कर ली। गुरु नानक ने योगियों से कहा, संतों और साधुओं को दुनिया को सदाचार का संदेश देना चाहिए, ताकि लोग पाप और आपसी दुश्मनी छोड़ दें। दुनिया की ऊंची आत्माएं व्यापक रूप से फैले अज्ञान के प्रति उदासीन हैं।
जबकि सांसारिक लोग बुराई में डूब जाते हैं, पाप फैलने लगते हैं। अपने कर्तव्य को जानो, जाओ और दुनिया में रहकर उन्हें अच्छाई का संदेश दो। इससे तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य होगा और दुनिया को लाभ होगा। सिद्धों के साथ लंबे समय तक बातचीत करने और उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के बाद गुरु नानक वापस लौट आए। सिख इतिहास के रोचक तथ्य और जानकारी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। अपना कीमती समय निकाल के हमें सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।